और अगली खबर भरतपुर से, जहां आगरा रोड सोलंकी हॉस्पिटल के पास भारी भरकम दीवार ऑटो रिक्शा के ऊपर गिर गई। दीवार के मलबे में दबकर ऑटो रिक्शा चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। अजीत नगर कॉलोनी के पास ये घटना हुई, जिसके बाद घायल ऑटो रिक्शा चालक को लोगों ने हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने ऑटो रिक्शा चालक को मृत घोषित कर दिया। ऑटो रिक्शा चालक ओम प्रकाश अजीत नगर कॉलोनी का रहने वाला था। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। वहीं मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने भी मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह भी मौके पर पहुंचे और हालत को देखकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें, भरतपुर का यह मामला है, जहां अजीत नगर कॉलोनी के पास एक घटना हुई, जहां ऑटो रिक्शा चालक के ऊपर एक दीवार गिर गई। ऊपर गिर गई, जिससे ये इस टेम्पो में दब गया और इसको निकाल के हमने सोलंकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया। जल्दी वहाँ भी डेथ घोषित कर दिया। अभी हम लाए तो इन्होंने भी डेथ। नाम क्या है मृतक का? मृतक का नाम इसका ओम प्रकाश अनुप किशन सिंह, जाति जाट, उम्र 48 साल, निवासी है। आपको बता दें, दर्दनाक हादसा हुआ, जहाँ पर दीवार के गिरने से एक ऑटो रिक्शा चालक की मौत हो गई। दीवार भरभरा के ऑटो रिक्शा चालक पर गिर गई, जो गंभीर रूप से घायल हो गया और जब उसे हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अजीत नगर कॉलोनी की घटना है, जहां ऑटो रिक्शा के ऊपर दीवार गिर गई और मलबे में दबकर ऑटो रिक्शा चालक घायल हो गया। जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें, मौके पर मंत्री विश्वेंद्र सिंह भी पहुंच गए और अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए। साथ ही डॉक्टर सुभाष गर्ग भी मौके पर पहुंचे और जानकारी ली पूरे हादसे की। एक और दर्दनाक हादसा हुआ, जहां पर दीवार के गिर जाने से ऑटो रिक्शा चालक के ऊपर दीवार के गिर जाने से उसकी मौत हो गई। समय रहते उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अजीत नगर का रहने वाला था ये ऑटो रिक्शा चालक और अजीत नगर कॉलोनी के पास ये घटना हुई, जब वो दीवार के सहारे था शायद और दीवार भरभरा कर गिर गई उसके ऊपर। उसके बाद लोगों ने उसे गंभीर अवस्था में हॉस्पिटल में भर्ती कराया, लेकिन वहां पहुंचते ही डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें, मंत्री सुभाष गर्ग और विश्वेंद्र सिंह भी मौके पर पहुंचे, मौका मुआयना किया और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इस घटनास्थल पर पहुंचकर डॉक्टर सुभाष गर्ग ने भी घटना की जानकारी ली। कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह भी मौके पर पहुंचे और हालत को देखकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एक और दर्दनाक हादसा हुआ था, जहां भरतपुर में, जहां दीवार के मलबे में दबकर ऑटो रिक्शा चालक की मौत हो गई। जब दीवार उस पर गिरी तो गंभीर रूप से घायल था और उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। घटना की जानकारी मिलते ही डॉक्टर सुभाष गर्ग और केंद्रीय मंत्री विश्वेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे, घटना की जानकारी ली, पूरा जायजा लिया और डॉक्टर अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। ऑटो रिक्शा ड्राइवर जो है उसकी मौत हो चुकी थी। भरतपुर का यह हादसा है, भरतपुर के अजीत नगर कॉलोनी के पास की घटना है। बताया जा रहा है कि घायल ऑटो रिक्शा ड्राइवर जो है वहीं का रहने वाला था और दीवार गिरने के बाद जब उसे डॉक्टरों के पास पहुंचाया गया, हॉस्पिटल पहुंचाया गया, उसे मृत घोषित कर दिया गया।